वेलकम बैक टू श्रीधर किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाव टुकड़ा मसाला। ये बहुत ही झटपट और बड़ी ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। कम मेहनत करके और बहुत ही कम टाइम में यदि आप एक बहुत ही स्पाइसी और चटपटा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर करें। तो चलिए बनाते हैं मसाला पाव टुकड़ा। मसाला पाव टुकड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 6 पीस पाव। अब मैं पाव को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। आप चाहे तो इसे स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं। इस तरीके से मैं सारे पाव को काट लूंगी। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी है। सारे पाव के टुकड़े मैंने काट लिए। पाव की जगह आप सैंडविच ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, पैन मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून बटर, 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा मेरा पक गया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च 1। मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए। मैं थोड़ा सा प्याज को गुलाबी होने तक रोस्ट कर लूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटे टुकड़ों में कटे हुए 1 शिमला मिर्च। छोटे टुकड़ों में कटे हुए 1 टमाटर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। मैं इसे 2 मिनट पकाऊंगी। अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं गैस फ्लेम को लो कर दूंगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ी टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन कटी हुई। अब मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला।
अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पानी, ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। पानी ज़्यादा ऐड ना करें, अगर ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड करेंगे और पाव डालेंगे तो पाव बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 1/4 ग्लास में से भी कम मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून हरे धनिया और 2 टेबलस्पून नींबू का रस। आप नींबू का रस जब भी डालें सबसे लास्ट में डालें, नहीं तो ये कड़वी लगेगी। अब गैस फ्लेम को स्लो रखें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाव, थोड़ा थोड़ा पाव डालते जाएं और मसाले को अच्छे से कोट करते जाएं, ताकि मेरे मसाले पाव में अच्छे से कोट हो जाए। तो लीजिए बनके तैयार है मसाला पाव टुकड़ा। अब मैं इसे सर्व करूंगी। तो लीजिए तैयार है मसाला पाव टुकड़ा। ये जितना बनाने में आसान है उतना ही खाने में ये टेस्टी है। अब मैं इसे थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर रही हूँ। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।